पड़ोसी ही दुश्मन हो, उसे अच्छी नींद कभी नहीं आ सकती। कुछ ऐसा ही है भारत के साथ। अब भारत को दुश्मनों से बचाना है तो देश को किसी मजबूत हाथों के नेतृत्व के साथ साथ मजबूत सेना की भी ज़रूरत है, क्योंकि जितनी सशक्त सेना होगी उतना ही सशक्त देश होगा। इसके लिए एक तरफ भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, डिफेंस एजेंसी DRDO और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी दिन रात प्रयास कर रही है। अब इस कड़ी में एक कारनामा और जुड़ने जा रहा है। दरअसल चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OF में अब भारतीय सेना के टैंकों के लिए थर्मल इमेजिंग साइट बनाई जाएगी। अभी तक ये उपकरण देहरादून के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में ही बनाया जाता था। चंडीगढ़ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 50 थर्मल इमेजिंग साइट बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। वर्तमान में चंडीगढ़ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेना के लिए केबल बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन अब अन्य बड़े उपकरण भी बनाने की तैयारी है। थर्मल इमेजिंग साइट को बनाने के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हाई लेवल लैब को बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से टेंडर किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर BP मिश्रा ने बताया कि भारतीय सेना के लिए सभी टैंकों में थर्मल इमेजिंग साइट को इंस्टॉल किया जा रहा है, इसलिए इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि आने वाले साल में भी इस तकनीक की मांग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए चंडीगढ़ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थर्मल इमेजिंग साइट को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सेना की डिमांड को पूरा करने के बाद एक्सपोर्ट करने पर भी विचार किया जाएगा। अंधेरे में भी दुश्मनों को मार गिराएगा। थर्मल इमेजिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एडिशनल जनरल मैनेजर HS भाटिया ने बताया कि थर्मल इमेजिंग नाइट साइट के इस्तेमाल से अंधेरे में भी दुश्मन के बंकरों पर स्टीक निशाना साधा जा सकता है। ये तकनीक रात के अंधेरे में दुश्मन के थर्मल फुटप्रिंट को पकड़ेगी और फिर उसकी तस्वीर बनाएगी। इसके बाद दुश्मन अंधेरे में कहीं भी छुप नहीं सकता है। इसका इस्तेमाल सैनिक पूरी तरह से अंधेरे में लगातार आगे बढ़ने और बंकरों को नष्ट करने के अभियानों में करेंगे। HS भाटिया ने बताया कि पहले टैंक के अंदर बैठे जवान नाइट विजन चश्मे पहनते थे ताकि टैंक के अंदर बैठने और स्टीक निशाना लगाने में मुश्किल ना हो। अब भारत सरकार ने सभी टैंकों में इस तकनीक को लगाने का फैसला किया है। टैंकों में थर्मल इमेजिंग साइट को लगाने का काम पिछले कई साल से चल रहा है, लेकिन इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसे बनाया जाएगा। नाइट साइट रात के दौरान अधिक क्षमता के साथ सैनिकों को दुश्मनों के टैंकों का पता लगाने और सैनिकों के आगे बढ़ने में मदद करेगा। बता दें, इस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कैरियर क्वाड केबल, 20 कंडक्टर केबल, एंटी पर्सनल केबल का निर्माण किया जाता है। ये सभी केबल भारतीय सेना को सप्लाई की जाती हैं। 1985 में वायुसेना के लिए एयरफील्ड लाइटिंग केबल भी यहाँ बननी शुरू हुई। इसके अलावा DRDO, TVRL, CFEES और SASE को रेडियो फ्रीक्वेंसी को XEL केबल की आपूर्ति की जाती है। इस फैक्ट्री में तैयार जेली फील्ड केबल की आपूर्ति अर्धसैनिक बलों और भारतीय थल सेना को की जा रही है। सभी केबल में 99.99% शुद्ध कॉपर और प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है।